चाइल्डहुड द फेज ऑफ लाइफ जब आँखों में बहुत प्यारे सपने होते हैं और बहुत सारे सपने होते हैं। द फेज ऑफ लाइफ जहाँ पे एक शेप मिलता है ड्रीम्स को कि यस द पर्सन द चाइल्ड इज़ ड्रीमिंग अबाउट दिस एंड ही गेट्स द पाथ कि अगर मैं ये सपना देख रहा हूँ तो मुझे इस डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए कौन कौन से स्टेप्स को क्रॉस करना है और ये जो पाथ है ये डेस्टिनेशन है और ये जो सर्वाइवल है ये उसे मिलता है उसके फैमिली एटमॉस्फेयर से, उसके सोशल एटमॉस्फेयर से और उसकी सराउंडिंग से। ये एक नॉर्मल कोई भी चिल्ड्रन हो, कोई भी चाइल्ड हो, ये उसकी लाइफ होती है। बट देयर आर मेनी पार्ट्स जहाँ पे बच्चों का जो चाइल्डहुड है वो कम्प्लीटली एक्सप्लॉयटेड है, वो कम्प्लीटली रूइंड है। दे आर इन्वॉल्व्ड इन चाइल्ड लेबर, जहाँ पे जो चाइल्ड लेबर के जो एक्ट हैं, जो लॉज हैं, उनकी पूरी तरह से धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। तो आज हम ऐसी ही दो स्टोरीज़ पढ़ने वाले हैं अंडर द टाइटल द लॉस्ट स्प्रिंग, जो 12th फ्लामिंगो का सेकेंड चैप्टर है। लेट्स बिगिन इट। द नेम ऑफ द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज़ द लॉस्ट स्प्रिंग। अब इस टाइटल का एक सब टाइटल दिया हुआ है और वो सब टाइटल अपने आप में एक स्टोरी रिवील कर रहा है। द सब टाइटल सेज स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, मतलब यहाँ पे जो लॉस्ट स्प्रिंग है ये कुछ नहीं बता रहा है, ये अल्टीमेटली एक जो बच्चे हैं, बच्चों की लाइफ से किस तरह से खुशियाँ, द स्प्रिंग इज डिपिक्टिंग द हैप्पीनेस द जॉय, किस तरह से वो उनसे छीनी गई हैं, किस तरह से वो उनकी लाइफ से गुम हो चुकी हैं। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ द स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। जब हम इन स्टोरीज़ को पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें बहुत सारे कैरेक्टर्स नहीं मिलेंगे, यहाँ पे सिर्फ दो मेन कैरेक्टर्स हैं, सिर्फ दो मेन कैरेक्टर्स हैं जो हमें बताते हैं कि किस तरह से कुछ पार्ट्स में जो बच्चे हैं वो सफ़र कर रहे हैं और वो बहुत ड्रास्टिकली सफ़र कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द ऑथर। जो ऑथर हैं, द ऑथर इज़ अनीस जंग, ये इंडियन ऑथर हैं, इनका बर्थ राउरकेला में हुआ है एंड शी इज़ ऑथर जर्नलिस्ट एज वेल एज कॉलमिस्ट। एंड इनका जो सबसे नोटेड वर्क है, अगर किसी को रीड करने की आदत हो तो अनवीलिंग इंडिया, जिसमें जो इंडिपेंडेंट टाइम था, मतलब सॉरी जो स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज गोइंग ऑन और उसके बाद का जो थोड़ा समय था, उस समय में जो कंडीशन ऑफ वुमेन थी इंडिया में, जो उनकी लाइव्स थी, उनके ऊपर एक स्टोरी, एक बुक इनकी लिखी हुई है, दैट इज़ अनवीलिंग इंडिया, जो इनका सबसे मोस्ट अप्रिशिएटेड एंड नोटेड वर्क है। ओके, सो इट वॉज अबाउट अनीस जंग। अब हम कैरेक्टर्स की अगर बात करें तो कैरेक्टर्स में यहाँ पे सिर्फ दो कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में ऑथर ने बात की है। द फर्स्ट कैरेक्टर इज साहिब आलम। साहिब आलम एक छोटे बच्चे का नाम है और ये जो बच्चा है ये सीमापुरी की जो रैग पिकर्स फैमिली है, ये उनमें से एक फैमिली को बिलोंग करता है। He belongs to Simapuri and particularly a rag picker family, मतलब जो कचरा बिनने वाले होते हैं, जिनके कंधों पर एक कचरे की बोरी होती है और वो पूरे दिन उस कचरे में कुछ ढूंढते रहते हैं और जो भी उन्हें मिलता है उसे इकट्ठा करके वो अपने साथ ले जाते हैं। And second one is Mukesh. Mukesh is son of a bangle maker. और ये जो कहानी है ये है फिरोज़ाबाद, फिरोज़ाबाद, मुकेश बिलोंग करता है फिरोज़ाबाद को। ओके, तो ये थे हमारे जो मेन कैरेक्टर्स जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बट उसके पहले हम देखते हैं कि जो हमारी स्टोरी है उसकी थीम क्या है। द थीम ऑफ द स्टोरी इज़ ग्राइंडिंग पावर्टी। ग्राइंडिंग पावर्टी हम इसे इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे जो पावर्टी है उसने क्या किया है, उसने उन बच्चों की लाइफ को कम्प्लीटली एक्सप्लॉइट कर दिया है। वो पावर्टी ख़त्म नहीं हो रही है, वो पावर्टी बढ़ती जा रही है और फैमिली में जनरेशन वाइज जनरेशन लोग एक ही काम में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। मतलब जो बैंगल मेकर्स की फैमिली है, ग्रेट ग्रैंडफादर्स ने भी यही काम किया है, ग्रैंडफादर्स ने भी यही काम किया है, फादर्स ने भी यही काम किया है एंड अल्टीमेटली द सन आर टेंड टू वर्क इन द सेम फैक्ट्री। तो ये एक ऐसी पावर्टी है जो सिर्फ इन्हें घेरे जा रही है एंड इट इज़ अल्टीमेटली एक्सप्लॉइटिंग द चाइल्डहुड।
एक्सप्लॉइटिंग द चाइल्डहुड और उनके जो स्कूल जाने की अपॉर्चुनिटी है वो पूरी तरह से ख़त्म हो रही है एंड दे आर फोर्स्ड टू वर्क, दे आर फोर्स्ड कि उन्हें काम करना पड़ेगा बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी अदर सोर्स ऑफ सर्वाइवल एंड इफ़ दे गेट यंग एंड दे डू नॉट वर्क तो दे विल नॉट बी एबल टू इवन अर्न देअर ब्रेड एंड बटर. ओके, तो अल्टीमेटली द थीम ऑफ द चैप्टर इज, द थीम ऑफ द स्टोरी इज द पावर्टी एंड द ट्रेडिशन ऑफ दोज फैमिलीज, जिन फैमिलीज को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं. ओके, ठीक है, अब हम आते हैं स्टोरीज पे. यहाँ पर अनीस जंक ने दो स्टोरीज रिवील की है, एक स्टोरी है साहिब आलम की एंड एक स्टोरी है मुकेश की. तो जब आप बुक खोलते हैं, जब आप चैप्टर को खोलेंगे तो दोनों चैप्टर्स की हेडिंग में आपको दो लाइंस मिलेंगी. कौन सी है वो दो लाइंस? जब आप साहिब आलम वाला चैप्टर खोलेंगे तो यहाँ पर आपको लाइन मिलती है, समटाइम्स समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज. जो फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर है उसमें आपको क्या लाइन पढ़ने को मिलेगी, उसकी जो सबसे पहली लाइन है वो आपको पढ़ने को यही मिलेगी, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज. और जब इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट, मतलब जिसमें आप मुकेश की स्टोरी पढ़ेंगे, तो मुकेश की स्टोरी में आपको जो लाइन पढ़ने को मिलेगी, मतलब जो उसे टाइटल दिया गया है, वो टाइटल क्या है, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार. ओके, तो पहली साहिब आलम की स्टोरी है जिसकी हेडलाइन आपको मिलती है समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज. ये एक रैग पिकर की स्टोरी है, मतलब कचरा बिनने वाले की स्टोरी है. और दूसरी स्टोरी है फिरोजाबाद मुकेश की, जो जिसका टाइटल दिया गया है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, और ये है सन ऑफ अ बैंगल मेकर. ओके, नाउ लेट्स बिगिन द स्टोरी. अनीस जंग अपने ही घर के साइड में जो कचरा पड़ा होता है वहाँ पर रोज़ बच्चों को देखती हैं कि वहाँ पर रोज़ बच्चे आते हैं और वो किस तरह से, मतलब कोई भी मौसम हो, व्हाट दे डू, दे सर्च फॉर द थिंग्स. जो कचरा होता है उसमें हर जगह जाकर वो चीज़ों को ढूंढते हैं, वो अपने झोले में उसे डालते हैं और अपने साथ घर लेके जाते हैं. एंड शी थिंक्स ऑफ द थॉट, मतलब शी थिंक्स ऑफ द आयरनी. उसे जो थॉट आता है वो बहुत आयरनिकल होता है, और वो आयरनिकल थॉट क्या होता है कि ये जो कचरा पड़ा हुआ है, दिस इज़ कंप्लीट वेस्ट फॉर अस. ये नॉर्मल लोगों के लिए एक कंप्लीट वेस्ट है जो किसी भी काम का नहीं है, बट इट इज़ अ मीडियम ऑफ सर्वाइवल फॉर देम. जो रैग पिकर्स हैं उनके सर्वाइवल का मीडियम वो है. ये एक आयरनिकल थॉट उनके माइंड में होता है कि कितनी बड़ी ट्रेजिडी है ये कि जो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, जो हमारे लिए कंप्लीट वेस्ट है, वो इन लोगों के लिए इनके सर्वाइवल का साधन है. और एक दिन वो जाके उस बच्चे से बात करती हैं, और उस बच्चे से जब वो बात करना शुरू करती हैं तो वहाँ पर वो इस सेंटेंस को सुनती हैं एंड दैट अगेन गिव्स अ सीरीज ऑफ थॉट इन हर माइंड. वो बच्चा जो बोलता है वो उसे सारी सिचुएशन बताता है कि द फैमिली इज़ बेसिकली फ्रॉम ढाका. ढाका में जब स्टॉर्म आया था वहाँ पे उनकी पूरी लैंड वगैरह वैनिश हो गई थी, तो वहाँ पर वो लोग आए थे एक बड़ी सिटी दिल्ली में कि कुछ लिविंग अर्न करेंगे, किसी तरह से सर्वाइव करेंगे. एंड अल्टीमेटली दे एंडेड अप इन सीमापुरी. सीमापुरी जो झुग्गी झोपड़ियाँ, जो आउटस्कर्ट एरिया था दिल्ली का, वो वहाँ पर अपनी लाइफ एंड करते हैं एंड वो पीढ़ी दर पीढ़ी रैग पिकिंग का काम करते हैं. दे डू नॉट हैव एनी सोर्स ऑफ सर्वाइवल. उनके पास सर्वाइवल का कोई भी सोर्स नहीं है. तो वहाँ पर फिर वो मुकेश से, सॉरी साहिब आलम से बात करना स्टार्ट करती हैं. शी गेट्स टू नो अबाउट द फैमिली एंड वो उससे पूछती हैं कि क्या वो कभी स्कूल जाना चाहेगा. Then he says कि yes, but जो काम है, जो उसे रोज़ आना होता है, वो नहीं जा सकता. Then she says कि अगर मैं पास में ही कोई स्कूल खोलती हूँ तो क्या वो जाएगा. The person, the child gets excited and he instantly says कि हाँ, वो जाएगा.
फिर कंटिन्यूसली व्हेन शी टॉक्स शी आस्क द नेम ऑफ द चाइल्ड और वो अपना नाम बताता है साहिब आलम. अगेन द सेकेंड आयरनी. What is that second irony? The second irony is the meaning of the name and the condition of the child. क्योंकि meaning of the name is the Lord of Universe, the God of Universe. साहिब आलम का नाम का मतलब होता है the God of Universe. And the child is picking the rag in outskirts of the city. तो अगेन उनके माइंड में एक और ironical thought आता है related to the name of साहिब आलम. फिर उन्होंने पूरी स्टोरी में जो वहाँ के गरीब लोग हैं जो रैग पिकर्स हैं उनकी सिचुएशन को बताया है कि वहाँ के जो बच्चे हैं वो किस तरह से बहुत सारी चीज़ों के लिए क्रेव करते हैं एंड वो बेयर फुट घूमते हैं. मतलब उनके पास पहनने के लिए ना जूते हैं ना चप्पल हैं, वो बेयर फुटेड घूमते रहते हैं. और अगर उनसे पूछा जाता है दे से कि उनके पास चप्पल जूते हैं बट दे आर कैप्ड, उन्हें ऊपर रख दिया गया है ताकि वो घूमे नहीं, वो ख़राब नहीं हो जाए. और उनके जब जूते चप्पल की कंडीशन देखी जाती है दे ओन द ओल्ड शूज़ एंड ओल्ड स्लीपर्स जो लोगों द्वारा फेंक दिए गए हैं. तो इन सारी चीज़ों को देख के जो अनीस जंग है उन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है, उन्हें बहुत ज़्यादा दया आती है. और वो इस पूरे चैप्टर में बस यही डिपिक्ट करती हैं कि किस तरह से वो छोटे छोटे जो बच्चे हैं उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ पता है. उन्हें क्या पता है कि इफ़ दे डू नॉट कम फॉर द रैग पिकिंग, अगर वो रैग पिक करने नहीं आएंगे तो उनके सर्वाइवल का सोर्स ख़त्म हो जाएगा. ये चीज़ वो बच्चे समझते हैं एंड दे इन्जॉय इट. वो उसे बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं. और उस इन्जॉयमेंट का रीज़न क्या होता है? उस इन्जॉयमेंट का रीज़न ये होता है कि कभी कभी उस पूरे कचरे में उन्हें कभी कोई सिक्का मिल जाता है, कभी एक दो मतलब जो भी कॉइन्स होते हैं या नोट होते हैं वो उन्हें कभी कभी मिल जाते हैं. तो उस कभी कभी के एक्साइटमेंट में वो रोज़ उस काम को बहुत ज़्यादा खुशी के साथ करते हैं और अपने इस काम को इन्जॉय करते हैं. ओके, सो इट वॉज द स्टोरी ऑफ साहिब आलम. अब अनीस जंग जब भी साहिब आलम से मिलती हैं तो साहिब आलम का जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि आपका स्कूल बन गया, मैं कब से उसे स्टार्ट कर सकता हूँ. ओके, सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट. अब ये जब स्टोरी एंड होती है तो इस स्टोरी के एंड में आप एक चीज़ और रियलाइज़ करेंगे कि जब स्टोरी का एंड होता है तब ऑथर हमें ये बता रहे हैं कि जो साहिब आलम नाम का जो बच्चा है इसने रैग पिकिंग का काम छोड़ दिया है. इसने क्या काम शुरू किया है? इसने एक चाय के स्टॉल पे काम करना शुरू किया है जहां उसे 800 रुपये महीना दिया जाता है और खाने को भी दिया जाता है. लेकिन वहां वो काम करके खुश नहीं है. वहां वो काम करके खुश इसलिए नहीं है बिकॉज हिज इंडिपेंडेंस इज लॉस्ट. जब वो रैक पिकिंग करता था वो पूरी आज़ादी से काम करता था, वो अपने तरीके से काम करता था. बट नाउ ही इज़ वर्किंग अंडर समवन. अब वो जब टी स्टॉल पे काम कर रहा है तो वो किसी के अंडर काम कर रहा है एंड ही इज़ नॉट एज हैप्पी एज ही वॉज व्हेन ही वॉज पिकिंग द रैग. ओके, तो यहाँ पे उन्होंने एक बहुत बड़ा कंट्रास्ट बताया है कि ऑल्दो ही वॉज अ रैग पिकर बट उसकी खुशी थी. उसकी खुशी क्या थी? कि वो इंडिपेंडेंटली अपनी मर्जी का काम कर रहा था. और वहीं जब वो किसी के अंडर काम कर रहा था तो ही वॉज वेरी अनहैप्पी ऑल्दो ही वॉज गेटिंग अन अमाउंट ऑफ मनी एट वंस. एक बार में उसे पैसा दिया जा रहा था बट वो उससे खुश नहीं था. ओके, सो इट वॉज द फर्स्ट पार्ट जिसका टाइटल था समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज. अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट. जब सेकेंड पार्ट आप स्टार्ट करते हैं तो उसका टाइटल आपको मिलता है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार. आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार इज अ स्टोरी ऑफ मुकेश. जब फिरोजाबाद विजिट किया जाता है, जब फिरोजाबाद जाती हैं अनीस जंग तो वहाँ पे बैंगल मेकर्स की फैमिली को विजिट करती हैं. और बैंगल मेकर्स की जो फैमिली है अगेन दे आर इन वर्स्ट कंडीशन. कच्चे घर बने हुए हैं मिट्टी के, वहीं से सीवेज जा रहा है, वहीं से पानी बह रहा है. और वहीं छोटे छोटे घरों में बड़ी बड़ी फैमिलीज रह रही हैं. वहीं पे द इन-लॉज आर लिविंग, वहीं पे ग्रैंड पेरेंट्स आर लिविंग. मतलब द सिचुएशन इज़ वेरी वर्स्ट एंड वेरी अनहाइजीनिक.
और वहाँ पर जब उन्हें एक बच्चा मिलता है, उस बच्चे का नाम होता है मुकेश। वो उससे जब बात करती हैं, द चाइल्ड सेज कि मैं कार बनाना चाहता हूँ, मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ और मैं कार चलाना भी चाहता हूँ। यहाँ पर जो ये बच्चा मुकेश मिलता है, ही हैज़ ड्रीम्स बट ही बिलोंग्स टू बैंगल मेकर फैमिली, और उनकी अर्निंग इतनी कम होती है, इतनी ज़्यादा कम होती है, क्योंकि जो मीडिएटर्स होते हैं बिजनेस के, मार्केट के और इन लोगों के लेबर्स के, वो मीडिएटर्स कभी उन्हें ग्रो नहीं करने देते, वो मीडिएटर्स कभी उन्हें उनकी पावर्टी से ऊपर नहीं आने देते हैं। तो दे आर इन कंडीशन ऑफ एक्सट्रीम पावर्टी, जिसकी वजह से वो कभी अपनी उस स्थिति से बाहर नहीं आ सकते, एंड दे हैव टू वर्क इन एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। कांच के बीच में उन्हें काम करना होता है, बहुत हाई टेम्परेचर में उन्हें काम करना होता है। तो व्हेन दे स्टार्ट फ्रॉम वेरी यंग एज से काम करना वो शुरू कर देते हैं। कई लोग वहाँ ऐसे होते हैं जो एडल्ट होते होते दे लॉस्ट देयर आईसाइट, उनकी आँखें खराब हो जाती है, उनकी आँखों से उन्हें दिखना बंद हो जाता है। तो दैट इज़ द एक्सट्रीम पुअर कंडीशन ऑफ द एनवायरनमेंट। और वहाँ पर जब मुकेश से वो बात करती हैं, तो मुकेश उन्हें बताता है कि ही वॉन्ट्स टू ड्राइव अ कार एंड ही वॉन्ट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। फिर वो उनसे बोलती हैं कि बट यहाँ से गैरेज तो बहुत दूर है। अनीस एक सिचुएशन देती है कि जहाँ तुम रहते हो वहाँ से गैरेज बहुत दूर है, हाउ विल यू एडजस्ट। देन ही सेज कि मैं वॉक करके जाऊँगा, बट आई वॉन्ट टू बिकम अ मैकेनिक। ओके, तो यहाँ पर उसकी आँखों में जो एक डिटर्मिनेशन दिखता है कि ही वॉन्ट्स टू बिकम समथिंग, उससे लेकर अनीस को एक छोटी सी होप होती है कि यस, अमंग दिस एक्सट्रीम पावर्टी कंडीशंस, अमंग दिस एक्सट्रीम पुअर कंडीशन, देयर इज़ अ लिटिल होप कि इफ दिस चाइल्ड गेट्स द अपॉर्चुनिटी ही कैन चेंज द सिनेरियो। ओके, तो यहाँ पर ये थी दो कंडीशंस जो बहुत ही एक्सट्रीम पुअर कंडीशन में सर्वाइव कर रहे हैं, अपनी स्थितियों के साथ में उन्होंने एडजस्टमेंट कर लिया है, बट कहीं ना कहीं एक रे ऑफ होप है कि यस, ही वांट्स टू बिकम समथिंग एंड होपफुली ही कुड बिकम समथिंग। ओके, सो आई जस्ट होप कि आपको समरी समझ में आ गई होगी, द थीम ऑफ द चैप्टर समझ में आ गई होगी, एंड वंस यू रीड द स्टोरी यू विल गेट इट वेरी इजीली। अब जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम इससे रिलेटेड वोकैबुलरी, जो सेकंड चैप्टर की वोकैबुलरी है और जो सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं, वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।